ओम शांति। 12 अगस्त 2021 की मुरली से हाजिर हैं 11 ज्ञान इंजेक्शंस। पहला, प्यार के सागर बाबा बहुत स्पष्ट समझाने देते हैं। मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। दूसरा, प्यारे बच्चों को रोज रोज बाबा याद के अभ्यास का इशारा क्यों देते हैं, इसका उत्तर देते हुए रूहानी बाबा बोले, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। तीसरा, देही अभिमानी बनने पर ध्यान खिंचवाते हुए ज्ञान सागर बोले, लाडले बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे, देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। चौथा, ज्ञानेश्वर बाबा ने समझाया योग बल का महत्व। सिकिलथे बच्चों, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, याद में ही माया विघ्न डालती है। पांचवा, कर्म योग पर ध्यान खिंचवाते हुए निराकार बाबा बोले, मीठे बच्चों, बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है, तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। छठा, एवर प्योर बाबा ने बच्चों को समझानी थी, प्यारे बच्चों, बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। सातवां, सुख सागर बाबा ने बच्चों को किया सावधान, लाडले बच्चों, अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे, इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। आठवां, विश्व सेवाधारी बाबा ने बच्चों का अटेंशन खिंचवाया सेवा के प्रति। सिकिलथे बच्चों, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। नौवां, सुप्रीम टीचर ने धारणा के लिए दिया होमवर्क, मीठे बच्चों, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है।
दसवां पवित्रता के सागर बाबा ने दिया होली हंस बनने का वरदान। प्यारे बच्चों, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भावा संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। ग्यारहवां मोस्ट बिलव्ड बाबा ने दिया सुंदर इशारा। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। आज की मुरली से ये थे 11 ज्ञान इंजेक्शंस। ओम शांति।